में लेटेस्ट ऑर्डर आया कौन सा है, ये सारी डिटेल्स, और पिछले 5 दिन में, पिछले 1 हफ्ते में किस तरह के मूव स्टॉक ने दिखाई है, कौन कौन सी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये सब एक बार आशीषा से समझ भी लेते हैं। जी हाँ, BHEL में आज काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। 8 साल की ऊंचाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 5 दिन से लगातार स्टॉक में गेंस देखने को मिल रहे हैं। आज करीब 4.5 से 5% का मूव देखने को मिला और पिछले 5 दिनों की बात करें तो स्टॉक में करीब करीब 15 से 16% का मूव देखने को मिला है। कई ट्रिगर्स है इसके। सबसे पहले कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, करीब करीब 3000 करोड़ का यह कॉन्ट्रैक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। कंपनी ने LOI मार्च में रिसीव किया था और अब फाइनली ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सुपर रैपिड गन माउंट्स इंडियन नेवी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके चलते स्टॉक में आज तेजी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ और एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने साइन किया है, वो है फ्रेंच कंपनी EDF। याद रखिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर ऑपरेटर कंपनी है, तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन फ्रेंच कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो शॉर्ट टर्म नहीं, कंपनी ने ऐसा भी कहा कि लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज भी कंपनी असेस करेगी इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते। तो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी बड़े हैं जिसके चलते स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। याद रखिए, स्टॉक में ऑलरेडी काफ़ी अपमूव देखने को मिला है। पिछले 1 महीने में स्टॉक 35% चला है और ईयर टू डेट स्टॉक की बात करें तो स्टॉक करीब करीब डबल हो चुका है। तो काफ़ी अपमूव देखने को मिला आज, इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। डिस्कस करना चाहेंगे और वो है BHEL का स्टॉक, क्योंकि BHEL का स्टॉक 8 साल के हायर लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अविनाश, ये वही स्टॉक है जिसमें ये बड़ा एक अंडर परफॉर्मर कितने साल रहा, लेकिन अगर आप इसी सिर्फ साल का रिटर्न देख ले, अब तक 2023 पूरा भी नहीं हुआ और 100% से ज़्यादा डबल हो चुका है स्टॉक, और इनफैक्ट 5 दिनों में, पिछले 1 महीने में जिस तरह की तेज़ी आई है BHEL पर, और बड़े रीज़न ऑफकोर्स यही है कि जिस तरह के इनको लगातार बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वो आगे की भी ऑर्डर विजिबिलिटी, और ये बात भी है, ये जो डिफेंस कंपनीज हैं, रेलवे कंपनीज हैं, पावर एनर्जी स्पेस की कंपनीज हैं, ऑर्डर मिलने पर, ऑर्डर विजिबिलिटी पर ही इतनी चल गई हैं। अभी तो एग्जीक्यूशन का समय है आगे, लेकिन फिर भी कितने हद तक भाव में हैं ये वैल्यूएशन, इन लेवल्स पर आपको किस तरह से दिख रहे हैं BHEL के? मुझे लग रहा है कि देखिए, क्लियरली अगर आप इस कंपनी की चाल देखें तो मुझे लग रहा है कि नैरेटिव्स ही चल रहे हैं। मेरे ख्याल से सेकंड क्वार्टर भी कोई खास नहीं था, इनफैक्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी कॉशियस थी, बट आई थिंक जिस प्रकार की इनकी ऑर्डर बुक है, अभी सब कुछ डिपेंड है एग्जीक्यूशन के ऊपर। मार्केट्स ये उम्मीद लगा रहा है कि अगले 6 महीने जिस प्रकार के डेवलपमेंट हो गए, अभी BHEL इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके बाद हाइड्रोजन, ये सारे पावर इक्विपमेंट्स की बात कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी तो इनके पास है। आई थिंक एग्जीक्यूशन जब और तेज होगा तभी मार्केट्स को और कॉन्फिडेंस आएगा, बट मार्केट ने शायद नैरेटिव में ऑलरेडी प्राइस को रीरेट कर लिया है। अभी एक समय के बाद ऐसा भी आएगा प्रियंका, जब नंबर्स हैव टू बी डिलीवर्ड, तो ये मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट स्टॉक में रीरेटिंग तब होगी जब तीसरे तिमाही के नंबर्स में आपको पॉजिटिव EBITDA, पॉजिटिव प्रॉफिट और अच्छी ग्रोथ कॉमेंट्री देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, बट इतना तेजी होने के बाद कोई खरीदता है तो एक रिस्क जरूर रहता है कि आप शायद टॉप पे खरीद नहीं रहे हो। तो मेरे ख्याल से अभी भी मैं समझता हूँ कि आपको जिनके पास है वो होल्ड करे, फ्रेश खरीदारी मेरे ख्याल से थोड़ी विजिबिलिटी और नंबर्स आने के बाद ही थोड़ा कॉन्फिडेंस स्टॉक में आएगा।